हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उल्टे स्वास्तिक से पूर्ण होती है हर मनोकामना। ऐसे ही स्वास्तिक के अचूक उपाय आइए जानते हैं। दोस्तों, उल्टे स्वास्तिक से पूर्ण होती है हर मनोकामना। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो आपको आपके किसी नजदीकी मंदिर में जाकर कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाना है। जल्दी ही आपकी इच्छा पूरी होगी। मनोकामना पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर जाकर आपको सीधा स्वास्तिक बना देना। यह दोस्तों, सनातन धर्म में स्वास्तिक को पर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। पुराणों में स्वास्तिक को धन की देवी लक्ष्मी तथा बुद्धि के देवता भगवान गणपति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक संस्कृत के दो शब्द सु एवं अस्ति से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है कल्याण हो अर्थात शुभ हो। ज्योतिष में स्वास्तिक के कुछ अलग अलग प्रयोग बताए गए, जिन्हें करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं एवं धन धान्य सुख ऐश्वर्य अखंड लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। दोस्तों, स्वास्तिक पर आप इष्ट देव की प्रतिमा रखेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। घर के पूजा स्थल में या मंदिर में स्वास्तिक बनाकर आपको उस पर अपने इष्ट देव की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करनी है। इष्ट देवता प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देंगे। हल्दी के स्वास्तिक से भी होता है लाभ। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा में दीवार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर में सुख शांति ऐश्वर्य आती है और घर के सभी कलेश समाप्त होते हैं। घर के पूजा स्थल या मंदिर में स्वास्तिक बनाकर उस पर 5 अनाज रखकर दीपक जलाने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। हल्दी के स्वास्तिक की पूजा से होंगे विशेष लाभ। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए गुरुवार को घर के ईशान यानी उत्तर पूर्वी को गंगा जल छिड़क कर वहाँ हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इस स्वास्तिक की विधिवत पूजा करके गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा आपको लगातार 7 गुरुवार करने से व्यापार में लाभ होगा। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए कुमकुम सिंदूर रंगोली से स्वास्तिक बनाना है और उस पर दीपक जलाना है। ऐसा करने से घर में शुभ आगमन होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं अपने अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर पुनः प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद दोस्तों।